दोस्तों आज हम बात करेंगे NISCL के स्टॉक के बारे में। NISCL के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड वहीं देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 4.32% की यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार 22 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 231 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 243, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 260, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी, एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 280, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 300, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 320 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 22 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 210, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 199 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।